Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. आज की वीडियो जो है इट्स बेसिकली अबाउट द बिगिनर्स मेकअप किट. आप लोगों के पास क्या क्या होना ज़रूरी है अगर अभी आप लोग अपनी मेकअप किट को बिल्ड कर रहे हो. अभी ज़रूरी नहीं है कि एक एक छोटी छोटी चीज़ हो, पहले बेसिक से स्टार्ट करो. इतना बेसिक्स के जो मेकअप मैंने अभी किया हुआ है इतना मेकअप आप भी कर सको. उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता यू कैन ऐड मोर थिंग्स टू योर किट. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास सबके पास होनी चाहिए इज़ प्राइमर. प्राइमर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन कीपिंग योर फाउंडेशन वेरी सीमलेस और आपकी जो फाउंडेशन होती है उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए. इसलिए जो प्राइमर है उसको स्किप किसी ने नहीं करना, ये ज़रूर ख़रीदो. मेरे पास जो है ये मेबेलिन का बेबी स्किन है, इंस्टेंट फॉर एरेज ऑफ द स्किन, ऑलमोस्ट सूट एनी स्किन टाइप, सारे ही यूज़ कर सकते हो. तो येस, गो फॉर दिस वन. नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड इज़ फाउंडेशन. ऑफ कोर्स मैं जो फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ इट्स ड्यूई स्मूथ फाउंडेशन इन शेड 120 बाय मेबेलिन, ठीक है. और ये जो है ये ऑलमोस्ट हर जगह मिलती है. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड फाउंडेशन देन गो फॉर मेबेलिन. बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट हैं. इट्स मोर ऑफ मीडियम टू लाइट कवरेज. और अगर आपकी ड्यूई स्किन, अगर आपकी ड्राई स्किन है गो फॉर द ड्यूई वन, और अगर आपकी ऑयली स्किन है गो फॉर द मैट फाउंडेशन. उसके बाद क्या ज़रूरी है, पाउडर. पाउडर होना सबके पास बहुत ज़रूरी है. जहाँ जहाँ पे स्वेटिंग आती है या आपके फेस के ऊपर कुछ एरियाज होते हैं दैट आर प्रोन टू गेटिंग ऑयली, ठीक है. तो उस केस के अंदर पाउडर को यूज़ करना उन एरियाज पे बहुत ज़रूरी है. मैं जो यूज़ करती हूँ, मैं एयर स्पन का ये वाला पाउडर, ट्रांसल्यूसेंट पाउडर यूज़ करती हूँ. आई यूजुअली गो फॉर दिस एरिया, दिस एरिया. यहाँ पे लगाती हूँ, यहाँ पे लगाती हूँ, मेरी तो ड्राई स्किन है, यहाँ पे लगा लेती हूँ ताकि मेकअप जो है वो अच्छे से सेट हो जाए. अगर ऑयली स्किन है तो इसको अच्छे तरीके से पूरे फेस के ऊपर लगा लो, उसके बाद इसको डस्ट ऑफ कर दो. इसका कोई कलर नहीं है इसलिए इसको ट्रांसल्यूसेंट पाउडर कहा जाता है. और ये थोड़ा सा महंगा है, इट्स लाइक फॉर अबाउट 2000 रुपीज़, बट दिस वन इज़ वर्थ इट, ठीक है. तो अगर ख़रीदना है ट्रांसल्यूसेंट पाउडर तो ये एयर स्पन का ज़रूर ख़रीद लो. उसके बाद लेट्स गो फॉर द ब्लश. ब्लश के अंदर आई एम अ फैन ऑफ लिक्विड ब्लशेस, ठीक है, क्योंकि जो पाउडर ब्रशेज होते हैं वो उतर जाते हैं, लिक्विड ब्रशेज नहीं उतरते. इसके अंदर मैं एक अफोर्डेबल ब्लश जो है वो रेकमेंड करूँगी और वो है O2O का लिक्विड ब्लश. और मैं जो शेड जो मैंने भी लगाया हुआ है इट्स 03. ये भी एक मुंह के ऊपर बड़ी एक सॉफ्ट सी लुक आती है, इस तरह जिस तरह नेचुरल सी आपकी अपनी स्किन है. मेकअप का बेसिकली ये पर्पस होता है कि एक अच्छी सी फ्लॉलेस सी लुक आए, ठीक है. तो आई थिंक दिस ब्लश रियली वर्क्स फॉर मी. तो जिन्होंने ब्लश ख़रीदना है ये ख़रीद लें, नहीं तो मेबेलिन के पाउडर ब्लशेस मिलते हैं वो भी आप लोग ख़रीद सकते हो, ठीक है. उसके बाद है मस्कारा, ऑफ कोर्स. अच्छा, ये जो मस्कारा है ना ये मेरे पास पीआर के अंदर आया था और ये जो है ना ये वाटरप्रूफ है. आई विल सजेस्ट कि जो मस्कारास आप ख़रीदते हो ना वो ख़रीदो जो वाटरप्रूफ नहीं होते. वाटरप्रूफ जो होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी आईलैशेस को तोड़ देते हैं, ठीक है. तो इसके अंदर ही ना यहाँ पे ब्लैक कलर से जिधर लिखा होगा ना वो वाटरप्रूफ नहीं होगा, तो वो वाला ख़रीदो. और इसकी जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेटर भी बहुत अच्छा है और ये लगता भी बहुत अच्छा है और बहुत हैवी सी लुक देता है अभी आपकी लैशेज़ को. मैंने अभी बहुत हल्का सा लगाया था क्योंकि मेरी अपनी लैशेज़ कब गिरती हैं वगैरह, इस तरह मसले आते हैं. तो ये वाला इज़ हाईली रिकमेंडेड बाय मी. इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, 800 का होता है लेकिन सेल के ऊपर इट गेट्स अराउंड 600 रुपीज़ और बहुत टाइम चलता है. तो यू गाइस कैन इन्वेस्ट योर मनी इन दिस वन, ठीक है. अब बारी आती है लिपस्टिक्स की, कौन सी लिपस्टिक्स ख़रीदें. इतने सारे ब्रांड्स होते हैं, मैं खुद कंफ्यूज हो जाती थी जब मुझे लिपस्टिक ख़रीदनी होती थी. तो जो एक ब्रांड है बहुत फेमस है, सबके पास उसका एक्सेस है, जो कि है मेबेलिन. तो मैं जो हूँ मैं रेकमेंड करूँगी मेबेलिन. इनकी लिपस्टिक्स ना तो क्रैक आउट होती हैं ना लिप्स ड्राई होते हैं, हर जगह इजीली अवेलेबल है. अभी जो मैंने शेड लगाया इट्स कूल टोन पिंक कलर और ये है ये वाली, ठीक है. इट्स
मेबेलिन सेंसेशनल लिक्विड मैट लिपस्टिक्स, ठीक है, और इनके बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स हैं. दीज वन आर हाईली रिकमेंडेड बाय मी, ठीक है. तो गो गेट योर हैंड्स ऑन एनी मेबेलिन लिपस्टिक दैट यू लाइक. मेकअप को सेट करना बहुत बहुत ज़रूरी है, वरना जो है मेकअप ज़्यादा देर नहीं रहेगा, जो ब्लश है वो उतर जाएगा. कुछ भी लगाया है वो उतर जाता है, ठीक है, ओवर टाइम. तो अगर उसको लॉन्ग लास्टिंग करना है तो उसके लिए जो मेकअप फिक्सर्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी मोस्टली स्किप इन आवर मेकअप रूटीन्स. लेकिन आई विल सजेस्ट कि कोई अच्छा सा मेकअप फिक्सर ज़रूर रखो सब अपने पास. ये वाला है मेबेलिन का लास्टिंग फिक्स, ठीक है. इट्स बेसिकली फॉर ऑयली स्किन, जिनकी ऑयली स्किन है उनको एक मैट फिनिश देने के लिए. लेकिन समर्स के अंदर तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो. लाइक मेरे ख्याल से अगर आपने ड्यूई फिनिश वाला यूज़ किया या मैट फिनिश वाला यूज़ किया तो दैट्स फाइन फॉर द ड्राई स्किन आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है. तो इसको इस तरह से स्प्रे करना ज़रूरी है, ठीक है. इससे जो पाउडरी फिनिश है वो भी ख़त्म हो जाएगी. एक चीज़ जो मैं स्किप कर चुकी हूँ वो है आईब्राउज, ठीक है. मैंने अपने आईब्राउज को बहुत लाइटली नेचुरली फिल किया है ताकि मेरे जो आईब्राउज हैं वो नीट लगे. इनको ओवरडू नहीं करना, वो अच्छे नहीं लगते, ठीक है. बहुत शार्प सी लुक आ जाती है. तो कोई भी आईब्राउ पेंसिल किसी भी लोकल स्टोर से, किसी भी ऑनलाइन स्टोर से ख़रीद लो. मैं जो यूज़ करती हूँ, मैं आईब्राउ पोमेड यूज़ करती हूँ. बहुत टाइम मैंने एले गर्ल का यूज़ किया लेकिन वो जो है वो सूख जाता है, ठीक है. तो वो फिर उसके लिए मसला होता है, कभी सीरम डालना पड़ता है. उसके बाद मैं ना बड़े टाइम से ये यूज़ करी हूँ ब्यूटी आइकन का, ये वाला है, ठीक है. छोटा सा है लेकिन इसके अंदर मोर देन इनफ प्रोडक्ट, ठीक है. तो इससे मैंने हल्का हल्का अपने आईब्रोज को फिल किया है एंड लुक एट द नीटनेस, ठीक है. तो ये हैं प्रोडक्ट्स दैट यू ऑल नीड, दैट्स ऑल. इसके अलावा और कोई चीज़ ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है. आई शेडो पैलेट्स चाहिए या हाइलाइटर चाहिए, कॉन्टोअर ब्रॉन्जर अभी मत खरीदो, यू आर जस्ट अ बिगिनर. अभी ये वाला मेकअप लगाना सीख लो, उसके बाद जो है अपने मेकअप किट के अंदर आप लोग एडिशन कर सकते हो. एंड इफ़ यू डिड लाइक दिस वीडियो तो गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो और जिस तरह की भी वीडियोज़ चाहिए डू मैंशन इट इन द कॉमेंट सेक्शन, बिकॉज आई विल बी लुकिंग एट ईच एंड एवरी वनस कॉमेंट और उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोज़ भी बनाऊँगी. So that's all. Thank you so much everyone for watching. Allah Hafiz.